गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज दो दिन ही मैं सुबह सुबह नींद से उठ के वीडियो शुरू करती हूँ। तो अभी यहाँ पे करूँगी थोड़ी सी हेयर केयरिंग। बाल बहुत खराब हो रहा है, टूट भी रहा है और रफ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये एलोवेरा है जो मेरे घर का है, ये गोले का तेल है होममेड जो मेरे सासू माँ लाते हैं कलकत्ते से, नॉन ब्रांडेड, किसी ब्रांडेड की नहीं है ये। ये तो डेटॉल की शीशी पर इसमें गोले का तेल है। तो अब इससे क्या करती हूँ वो देखो। तो पहले एलोवेरा काट लूँ। पूरा नहीं सही है, आधा ले लेती हूँ तब भी बहुत है। एलोवेरा तो बहुत आ रखे ऊपर गमले में, पर उसे हम किसी काम से में यूज नहीं करते, तो सोचा इस थोड़ा सा हेयर केयरिंग किया जाए। इसका पल्प निकालना बड़ा आसान है, ऐसे करके निकाल दो। इसका आइस क्यूब भी बनाती हूँ मैं। कैसे बनाती हूँ? ये गर्मी आ रही है ना, जैसे ऑयली स्किन है, हमारा स्किन बड़ा गंदा सा हो जाता है काम करने के बाद। तो हम स्किन को इससे कैसे थोड़ी सी फ्रेश रख सकते हैं वो भी दिखाऊंगी एक दिन। मेरा तो बहुत गंदा वाला है स्किन, ऑयली स्किन। देखो इतना सारा निकाला है इसमें से पल्प, थोड़ा सा मैश कर लेते हैं हाथ से। इसमें डाल दूंगी एक चम्मच तेल, ठीक है। इसको हाथ से ही मैश करके मिला लेते हैं अच्छे से। इसको लगाने से ना बाल बड़ा सिल्की रहता है, सिल्की सिल्की, ठीक है। अब इसको लगाते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के ही लगाना होगा, बीच में से मांग निकाला, ठीक है। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा लगा देना है ताकि जाग तक पहुंच जाए आराम से। दो घंटा बाद शर धो लूंगी, तब सूख जाएगा आराम से। तब तक मैं सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन काम है सारा कर लूंगी। पहली बात तो जिसका जो मतलब बाल टूट रहा है ना उसको जाड़ों में लगाना जरूरी है। बस हम लोग आलस कर जाते हैं, लगाते नहीं है, घर के काम में बिजी रह जाते हैं। अपने लिए दो मिनट टाइम निकालने का आलस आ जाता है। जो बता है उसको पूरे बालों में लगा देते हैं। देखो बाल कैसे टूट रहा है, ये देखो मेरा बाल कितने गंदी तरीके से टूट रहा है।
बना दिया जोड़ा। जोड़ा नहीं जोड़ा, कभी कभी गलत बोल जाती हूँ, मुझे भी पता चल जाता है गलत बोल रही हूँ। चलो आप डेली रूटीन काम इसी में शुरू हो जाते हैं। सुबह उठा झाड़ना है, झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये तो डेली का काम है और वो कर लेते हैं। इसको कर देते हैं साइड, धोना पड़ेगा। डस्टिंग वस्टिंग हो गया, झाड़ू वाड़ू लगा दिया, सोफा भी घुसा दिया, सब कुछ। अब लगाऊंगी पोछा, फिनाइल डाला जाए, खूब सारा फिनाइल डाल दिया। अब सब पोछ मैं मैजिक मॉप से ही लगाती हूँ ज़्यादातर, तो आज मन नहीं कर रहा है ऊपर जाने का। सबसे ऊपर रखा है तीसरी फ्लोर पे, तो मैंने सोचा आज हाथ से ही लगाते। हाथ से लगाने से क्या होता है, कोना कोना बड़े अच्छे से लगता है, उसमें भी सही लगता है, पर हाथ की बात हाथ में और उसकी बात उसमें। तो सोचा थोड़ा हाथ से ही अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा देती हूँ। तो इसके बाद खाना बना लूँगी, पहले खाना बनाने के बाद नहाऊंगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद भी ऐसे हाल हो जाता है बुरा, मन करता है दोबारा नहा लूँ, तो बार बार नहाना भी ठीक नहीं है। अगर सर्दी जुकाम हो गया तो और परेशानी। तो खाना ना बना के ये एक बार में शर्द होके नहा के आ जाऊँगी। आज ट्यूसडे है, तो हो गया मेरा झाड़ू पोछा, बस ऊपर से लगाती हूँ या नीचे तक आती हूँ। तो कर लिया, करते करते काफ़ी टाइम हो गया। सोच रही खाना बना ही लूँ, दाल चावल बनाना है और कुछ फ्राई व्राई कर लूँगी, मंगलवार को तो यही बनता है हमारे घर में। तो चलो हाथ पैर धो लेते फिर खाना बना लेते। अच्छे तो आ गई मैं किचन में, दाल को मैंने एक सीटी लगा के गला के मतलब गला दिया, और चावल मेरा बन चुका है। दाल में लगाऊंगी तड़का, मसाला देने में हल्दी ख़त्म हो रहा था तो मैंने एक पैकेट निकाल लिया, काट रही हूँ। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा एक किलो वाला पैकेट लिया ना, तो भैया लोगों ने क्या करा, एक किलो पैकेट तो नहीं दे पाए ना, तो 200 ग्राम के 5 पैकेट पकड़ा दिए इनको, यही लेके आए वो। तो ये छोटा छोटा पैकेट एक एक निकालती हूँ, काटती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है दूसरा काटती हूँ। बहुत बढ़िया हल्दी है ये टाटा संपन्न, मैं पहले और भी ब्रांडेड की लाती थी पर उससे ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे को ये रिजल्ट, तो इसलिए मेरे हस्बैंड 5 पैकेट ही ले आए, उन्होंने जो दे दिया सब उठा लाए। तो दाल में दे दिया तड़का, मूंग दाल, बैंगन को काट रखा है मैंने, उसको भी फ्राई कर लूँगी हल्दी नमक लगा के। दूसरा मतलब इस बर्नर पे दूसरा कढ़ाई शिफ्ट कर दूँगी, हल्दी भी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा गिर गया, साफ करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी काम करना तो ऐसे ही होता है, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा डेली रूटीन काम है, तो करना ही पड़ता है, दुनिया में आए तो करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगती हो, लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो फ्रेंड अब मेरे चैनल में नए आ रहे हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जिन जिन लोगों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है शुरू से लेके अब तक, उनको बहुत बहुत मेरे तरफ से प्यार है। और जो नए आ रहे हो एक लाइक तो ज़रूर देना, तो पहले वीडियो देखना उसके बाद कम से कम 3 से 4 मिनट वीडियो देखना उसके बाद कमेंट देना। तो यहाँ पे बन गया मेरा खाना, मतलब बना नहीं है, यहाँ पे शाम को अभी 6 बज रहे थे, शाम की 6:30 ही नहीं हो रहे थे, घड़ी नहीं देखा क्या टाइम हो रहा था। तो मेरे क्रिश को देखो, इसके पापा जब बाहर जा रहे थे ना तो कह रहे पापा मेरे लिए चीज़ खरीद के देना, तो उन्होंने उसको टेढ़े मेढ़े खरीद के दिया। टेढ़े मेढ़े के साथ क्या खा रहा है, खरबूजा, कह रहा है सैलेड खा रहा हो। तो मेरी बेटी वहाँ पर बैठी है, पबजी खेल रही है, क्रिश से पूछ रही है बार बार, क्रिश क्या होता है, ऐसे क्या होता है, उसको आता नहीं है। क्रिश बार बार बताता ज़रा ऐसे करो वैसे करो, तो मैं उसको काट के दे रही हूँ। गर्मी में ना ऐसे लगता है सारा बाल वाल गंजा करवा लूँ, इतना गर्म गर्मी होता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और पता नहीं मेरे बालों में शार में ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना टपकते रहते जब भी काम करती हूँ। तो हम लोग अभी ये फल वाल काट के खा रहे, खाने के बाद जाऊँगी सब्जी लेने, कुछ भी सब्जी नहीं है घर में, देखती हूँ क्या मिल जाता है बाहर। आलू भी नहीं, आलू ख़त्म हो रहा है,
मेरे हस्बैंड को साग बड़ा पसंद है, कुछ साग वाग मिल गया तो साग ले आऊंगी। सोच रही करेला वगैरह मिल गया तो ले आऊंगी, भरवा करेला बना दूंगी। पर भरवा करेला बनाऊंगी आज तो नहीं बनाऊंगी, ट्यूसडे है, अगर मिल गया तो कल बना दूंगी। क्रिश को बड़ा पसंद है, खा रहा है मेरे बाबू। हम तीनों मतलब बच्चे माँ तीनों बैठ के खा रहे। अब मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगी सब्जी लेने, देखो क्या क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, जिस कदर आसपास में बीमारी फैला पड़ा है। तो मैं बाहर गई थी कुछ सब्जी लेने, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला ढंग का। तो मेरे को जो जो समझ में आया वो लाया। आलू तो ख़त्म हो रहा था, बिल्कुल नहीं था, तो आलू तो लेना ही था, वो लेके आई। और कह रही थी ना साग वाग मिल गया तो ले आऊँगी, तो साग मिल गया, ज़्यादा खास नहीं, ठीक ठाक है, पर चल जाएगा काम, अब है नहीं तो क्या करें। तो घिया भी लाई दो चार, मोटा मोटा रस बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को सुबह शाम रस पीना होता है घिया का, अगर मिल गया तो पी लेते, नहीं मिला तो नहीं पी लेते, ऐसी कोई बात नहीं, डेली पीना है। तो मैंने कहा ठीक है, सही रेट भी ठीक मिल रहा है तो रस बनाने के लिए ले लेते। तो यहाँ पे कुछ दो बोतल रखी थी, उसको भर के फ्रिज में रख दूंगी। गर्मी इतनी बुरी वाली हो रही है, ऐसा लग रहा है नहा के आओ, तो बार बार नहाना भी ठीक नहीं रहता ना। तो अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो भैया आ गए काम से। पता है मेरे साइड वाले मतलब यही मोहल्ला में ही एक बिल्डिंग में ही 8 करोना पेशेंट पकड़े गए। तो डर तो लगता है यार, पता नहीं कैसे कैसे फैल रहा है बीमारी। तेरी आवाज देखो ईशा लॉकडाउन में कैसे कैसे रो रही है, कह रहे कब तक घर में से बंद रहना होगा, किसी से मिल नहीं पाती, मेरे फ्रेंड नहीं आते, मैं नहीं जाती। तो ऐसे ही परेशान कर रही है मुझे, कह रहे मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन दिला दो मुझे। मैंने कहा आईफोन में रखा क्या है, कुछ भी नहीं रखा, अभी कमाई धंधा है नहीं लॉकडाउन में, आईफोन से करेगी क्या तू, 1 साल 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसे रोने लगी। तो चलो हम तो मजाक कर रहे थे। तो ये मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, गर्मी हो रही थी बहुत बुरी वाली, तो मैंने सोचा साग साफ करके रख दूँ। साग में ना बहुत बुरा वाला पानी दे रखा था उन लोगों ने, अगर ये गड्डी में खोलती नहीं ना तो सड़ जाता रात भर। तो इसको मैं धोऊंगी नहीं, इसे साफ करके ना पॉलीथिन में पैक करके रख दूंगी फ्रिज में ही, कल दोपहर को जब बनाऊंगी ना तो अच्छे से धो धा के बना लेंगे। क्या क्या धो यार समझ में तो आता नहीं है। तो चलो इसको छाप छोप कर देते, पंखे की हवा में बैठे हूँ ना, थोड़ा सा शांति मिल रही, मतलब जान में जान आया पंखा हवा से। बाहर तो बहुत घुटन वाली गर्मी है। तो चलो साफ करते हैं, और कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगा। आज वीडियो में कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है जो मैंने कर लिया बस। तो ईशा को साफ करके रख देती हूँ, फिर मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, सब अपने अपने घर रहना, फैमिली के साथ रहना और करोना से बचना।